हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 111 का पहला 211 का भाई पहला पार्ट। तो देखते हैं भाई, पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा भाई महादेव जी की, अब भाई फिर से एक शादी, एक बार उन्होंने तो बोला था पार्वती जी से एक बार मिलना है। आगे भाई देखते करते वीडियो स्टार्ट। क्षमा चाहता हूं, हमारे समाज में ये पूर्णता वर्जित है, उसे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते, किंतु ये मेरे लिए आवश्यक है। परंतु क्यों? मैं स्वयं मत से जानना चाहता कि वो उस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर रही है या नहीं। हाँ जी, नंदी जी सहायता करेंगे। मैंने तो वचन दिया है, अब वो आप ही की होने वाली अर्धांगिनी है, फिर उसकी सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है, भविष्य में उन्हें अपना पूरा जीवन मेरे साथ व्यापन करना है, किसी और के साथ नहीं। इस विवाह के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता। सही बात। धन्य है आप, आपका कथन सर्वथा उचित। मैंने तो कभी उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दी। अवश्य आप मत्स्य से मिल सकते हैं। लो, पिताजी कह रहे थे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं स्वयं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये विवाह तुम्हें स्वीकार है? मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। उचित है। ये भेंट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। स्मरण की सुंदर। इसे देख के तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हुआ? नहीं,
मत्स्य कन्याओं की एकाग्रता तो जग प्रसिद्ध है। चित को एकाग्र कर प्रयास करो मत्स्य। ये बनेंगे आपके पति, इनसे होगा आपका विवाह। अब सब याद आएगा। गुरुमा ये माधव है, ये संसार के पालन करता, इन्हीं से होगा मेरा विवाह। यदि तुमने मूल मंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जाओ, उन्हें बचवाओ फिर संचन और उनसे सीखोगे क्या होती है एकाग्रता। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व तो समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। हर चीज ओहो सब कुछ ठीक है। पार्वती आज तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ है। आज तुम्हें एकाग्रता और मूर्ति पूजन के बहिर्गामी गुणों से सम्मुख हुई। आज तुमने इस मूर्ति में अपने मन को एकाग्र कर अपने पिछले जन्मों के दृश्यों का अवलोकन किया। इससे बड़ी एकाग्रता और क्या हो सकती है। जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था आज वो पूरा हुआ। फिर हमें ले चलिए महादेव। अति शीघ्र हमें अपने साथ कैलाश ले चलिए। ये 18 वर्षों का विरह हमसे और नहीं सहा जाता। तो आपकी अर्धांगिनी है ना, तो फिर इस विवाह का क्या अर्थ है, क्या आवश्यकता है इन रीतियों की। पार्वती ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता सुकर्मा और मेधावती के लिए आवश्यक है। सब कह रहे उन्होंने तुम्हारे माता पिता के रूप में जिन दायित्वों का निर्वाह किया
उसके फल के तो अधिकारी हैं। लो भाई हो रही है शादी। आखिर भाई देख ले कि कैसी सारी जितनी भी चीज़ें थी एकदम से भाई महादेव जी ने बोला और पार्वती जी को सब कुछ याद आ गया भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई वो एक जो ऋषि दादी जी ने जो चीज़ दी थी ना भाई महादेव जी, वो छोटा सा महादेव जी की मूर्ति, हाँ भाई तब से वो जब भी सामने आई है ना हर चीज़ भाई याद आ गई है, उसमें पावर ही ऐसी थी कि बोलने ही नहीं दिया किसी चीज़ को। हम भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि एक महादेव जी अब विवाह करने जा रहे हैं और पार्वती जी को वो चीज़ें याद दिलवाना वो मुश्किल ना चीज़ें हो जाएं, लेकिन भाई एक पता भी नहीं चला और हर चीज़ एक याद भी हो गई और काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि एक और उलझन में ना चीज़ें पड़ जाती। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यह कि भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई है कि महादेव जी ने जैसे ही उनके पास गए पार्वती जी के और साथ ही उनको जो है ना वो चीज़ें याद आ गई, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट था पहले बताना, लेकिन भाई उनके माता पिता भी राज़ी हो गए कि ठीक है आप जाएं, हमने तो सोचे ही नहीं था कि हम अपनी बेटी की मर्जी इच्छा पूछें एक दफ़ा, लेकिन ये कि आप भाई दोबारा एक रीति रिवाज के हिसाब से तो चलना जारी बात है, उनकी अब बेटी है तो आगे फिर जो है ना वो मज़ीद चीज़ें आप जो ना मतलब ये कि आप जो एकता वाला सीन था ना वो आप क्लियर हो गया, जो एक पॉइंट था जिसकी ज़रूरत थी तो अब जो है ना वो आगे नहीं, वो ये है ना कि शादी होना फिर ज़रूरी थी उनके माता पिता ने भी पाला के एक चीज़ें मतलब के ज्ञान लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, एक आपको कितने एक वर्ष बिताने पड़ते थे तब जाकर आपको ये ज्ञान मिला था, लेकिन फिर भी पार्वती जी भाई एक एक पूर्ण जन्म लिया और फिर से हर चीज़ सीखने को मिली और महादेव जी फिर मिल गए, आप फिर क्लाश पर जाएंगे। हाँ तो अब जो भाई ज्ञान है ना तंत्र ज्ञान वो भाई तो आप आसानी से बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।